狙ってるの。ケアすごいね。ये सामने आपको नज़र आ रही है मार्केट्स, अब ये जेपनीज में लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर टोक्यो में है, टोक्यो में अक्सर जहाँ पे जेपनीज लिखी होगी कहीं भी इंफॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे इंग्लिश भी मस्ट लिखी होगी, इवन जो उनके टिकट मशीन्स हैं वहाँ भी। लेकिन इधर जहाँ जो ही आप टोक्यो से दूर होते जाते हैं तो यहाँ पर फिर जेपनीज जो है ना हर जगह पे लिखी नज़र आएगी, और लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि इंग्लिश क्या है, आप क्या बोल रहे हो इंग्लिश में। आपको फिर अब मोबाइल ऐप्स के थ्रू ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, क्योंकि मैं सिटी ऑफिस हम गए थे कल, तो उनको समझ नहीं आ रही तो हम ट्रांसलेट करके बता रहे थे। खैर, मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी जैपनीज की, मेरी मिसिस को थोड़ी बहुत समझ आती है, बल्कि वो बोल भी लेती है, तो वो कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रही तो ट्रांसलेट करके हम बता रहे थे कि हम ये चाहते हैं, तो फिर वो समझ जाते थे। तो ये जनाब इनकी मार्केट्स हैं, और उस साइड पे हम जाएंगे, लेकिन कहीं से पेडेस्टेरियन जो वे बना हुआ था उसके थ्रू अभी उस साइड पे होने हैं हमने। ये किसी टाइम दिन को मैं निकलूँगा, दिन को दिखाऊँगा, दिन को बहुत खूबसूरत मंदिर होता है जब धूप निकला हुआ होता है। अभी तो क्लाउड ही है वेदर कई दिनों से, और बारिशें हो रही हैं मुसलसल, तो वो मज़ा नहीं है जो दिन में होता है। ये सामने जो नजर आ रहा है ये पोस्ट ऑफिस है, ये जापान पोस्ट है, तो काम तो मेरा कल इधर ही है, इधर आऊँगा, तो कोशिश होगी कोई वीडियो बना दो, क्योंकि इस टाइम नहीं होती, इनकी ऑफिस टाइमिंग 5 बजे तक होती है।
अभी सिग्नल रेड है तो हम नहीं क्रॉस कर सकते, ये जब ग्रीन होगा तो फिर हम जाएंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत सर्दी है इधर। शाहरा खुलने का इंतज़ार है। ओके ग्रीन हो गया। कल यहाँ पे एक टाउन है साई जो, उधर मुझे पता नहीं था, हम जा रहे थे तो जहन भी नहीं था, हमने रेड सिग्नल को क्रॉस किया, इस तरह रेड हुआ था तो फौरन पुलिस वाले जो थे उधर कहीं गाड़ी में बैठे होते हैं, हमें पता नहीं था, उन्होंने जनाब अनाउंस कर दिया स्पीकर पे कि यू आर वायलेटिंग सिग्नल, रेड सिग्नल। फिर हम खैर कहाँ तो कुछ भी नहीं उन्होंने, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा और हमें फील हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ पे आप ओपनली सिगरेट नहीं पी सकते जापान में, पूरे जापान में आप कहीं भी, इनके लिए स्पेशल इन्होंने कुछ वो बनाए हुए थे, जगह मुख्तस की हुई होती हैं वहाँ पे आप जाके पी सकते हैं। जैसा कि ये सामने जगह आपको नज़र आ रही शीशे की, ये इस तरह की, आई थिंक ये वही स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे आप जाके सिगरेट कर पी सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, मैंने तो रोड के उस पार जाना था लेकिन जेन भी नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ये है जनाब इनके बस स्टेशन, यहाँ पे बसें आती हैं रुकती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, मैं असल में निकलना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हुए कि जी वीलॉग बनाएं, वीलॉग अभी तक नहीं बनाया आपने, तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीलॉग बना ही लेता हूँ आज, कहते शाम को निकल के, तो बस इसी चक्कर में निकल आया। लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सख्त सर्दी होगी यहाँ पर। सिग्नल ग्रीन है तो जनाब निकलना चाहिए, वो ना एक दो मिनट ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। जो उस रोड के उस साइड चले जाते हैं, अभी सिग्नल रेड हुआ है, ग्रीन हो गया, चलो अच्छा यहाँ पे साइकिल का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए, रेंट कर सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद,
ये भी कोई आपको कोई नंबर अलाट करते हैं, फिर आप यूज़ कर सकते हैं साइकिल। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। तो लोग अक्सर यहाँ पे साइकिल को यूज़ करते हैं, और मिल भी सस्ती भी मिल जाती है, यानी 7,000 येन 8,000 यूज़ में मिल जाती है, और अगर अच्छी वाली लेनी हो तो 20,000 येन तक मिल जाती है। अभी तक मैंने कहीं गया तो नहीं हूँ चेक करने के लिए लेने के लिए, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इतने में मिल जाती है। अच्छा, ये वेंडिंग मशीन है यहाँ पे, देखते हैं इसमें क्या है। ये तो ड्रिंक्स वाली आई थिंक, नेक्टर एक्सप्रेसो भी है यहाँ पे। ये जो रेड शो करना है, ये इसका मतलब है कि हार्ड भी आप ले सकते हो, जो रेड है। मुझे ये जापनीज में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये रेड का मतलब था कि ये रेड मतलब रेड जो है इसका मतलब होता है गर्म, हॉट। बाकी कोल्ड ये हॉट है, लेकिन चले। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, वैसे जहाँ से मैं आया था वो मेरे राइट में पड़ता है, लेकिन देखता हूँ लेफ्ट में क्या है। मैंने जाना राइट पे ही है अपने अपार्टमेंट की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट में क्या है। तो इस साइड में मैं पहली दफा आया हूँ। स्पेस, कम्युनिटी स्पेस। मुझे कोई रेस्टोरेंट आई बैठे हैं। वेस्टर्न फार्मर्स इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेट पावर, क्या ये ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये मोटरसाइकिल का शोरूम है, और लेटेस्ट हैवी बाइक से कावासाकी की। अभी जाएंगे उस साइड पे देखेंगे, इस टाइम तो बंद होते हैं, बाहर से ही देख लेंगे।
कोई स्टोर है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कोई वीडियो गेम जोन है या पता नहीं कोई गेमिंग जोन है या समथिंग, ये कोई गेम शेम होता है जिस तरह होते हैं ना अपना, वो हम गैम्बल करते हैं, गैम्बल टाइप है। आपने इसे इसके थ्रू आप इसको पकड़ते हैं जो नीचे इस तरह ये पड़ा ना बॉक्स, आप इसमें कॉइन डालेंगे तो खेलेंगे, इसके थ्रू पकड़ेंगे, ऊपर आ गया फेच कर लिए तो ये आपका हो गया। अब इधर शूज रखे हुए हैं, शूज भी इन कर सकते हैं आप, स्लीपर्स स्लीपर भी कर सकते हैं। और ये क्या है, ये भी दिखा है, इसके थ्रू आप इसको कैच करते हैं, अगर आपने सक्सेसफुली कैच कर लिया तो फिर ये आपका हुआ। तो ये आई थिंक ये 100 yen का है, आई थिंक 100 yen बोल सकते हैं, सारे यही गेम है। किचन टाइप या और काम की चीज़ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही थी तो फेज कर लें।